टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अब सेमीफाइनल के मुकाबले स्टार्ट होने वाले हैं। मार दोस्तों, बिना सेमीफाइनल खेले भारतीय टीम पहुंच चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में, चमत्कार हो चुका है। दोस्तों, अभी चाहते हो भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। टी20 वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच में होगा और ये 9 नवंबर को खेला जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों आप कहोगे भाई सेमीफाइनल मुकाबले तो खेले जाएंगे, फिर भारतीय टीम बिना मैच खेले सेमीफाइनल से फाइनल में कैसे पहुंची? तो चलिए आपको बताते हैं पूरा गणित क्या है। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और उस मैच में बारिश आ गई तो फिर जो टीम पॉइंट टेबल में टॉप करके आई है वो बिना मैच खेले फाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी इस तरीके से, और न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा फाइनल में बिना मैच खेले। और इस तरीके से इंडिया की टीम अपनी पॉइंट टेबल में टॉप करके आई है 8 पॉइंट के साथ और इंग्लैंड की टीम नंबर 2 पे है, और बारिश आ जाती है दूसरे सेमीफाइनल में 10 नवंबर को और 11 नवंबर को, तो फिर इंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो जाएगी और इंडिया बिना मैच खेले टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच जाएगी। और दोस्तों, फाइनल में भी बारिश आ जाती है तो फिर रिजर्व डे रखा गया है इसके लिए, अगर वहां पे भी बारिश आ जाती है तो फिर ट्रॉफी को आधा आधा बांट दिया जाएगा।